अरे यार तू ये तामझाम उतार देना, रेगुला बना क्यों लेटा है? अबे यार इलायची जी ने बोला कोई प्लान है। अरे इलायची जी का प्लान है, तू इलायची जी के प्लान में पड़ा रही है, बेटा जान ले लेंगी तेरी इलायची जी किसी दिन। क्यों चिल्ला रहा है यार, कूड़े जा रहा है, कूड़े जा रहा है, सो जाना चुपचाप, और इलायची जी कभी भी आ जाएंगे यार, सोने देना भाई। आजा सुन, बंदर जा रहे हो? हाँ ठीक है। हाँ। और जैसे ही मेरा काम हो जाए ना, हाँ। वैसे ही मैं तुझे आवाज लगाऊंगा। हाँ ठीक है, समझ गया। हाँ। चल फोन खड़ा हो जा, आजा वहां पे। खोल यार। अरे यार इलायची जी इतनी रात को, अरे यार जरा सी नींद लगी नहीं के? जी नमस्ते। सर जी आप ऊपर क्यों आए? हमें बोलते थे हम नीचे आ जाते। ना 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 तेरा आना ठीक ना था नीचे, वो कहना मैं 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 आइसक्रीम लाया तो मैंने सोचा ऊपर चल के भी खिला दूं। अरे अरे बहुत अच्छा सोचा आपने सेठ जी, हमारा भी मन कर रहा था, बहुत बहुत मन कर रहा था आइसक्रीम खाने का, देखो आपने हमारे मन की बात जान ली। लाइए ना 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 ना, ये आपके लिए नहीं है मैं सिर्फ पंचम, ये तो ठंडन के लिए है। पंचम भाई क्या है ना कि तू 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 बहुत कोशिश कर रहा है ना रेगुलर से इंसान बनने की, तो मैं उसी के लिए तेरा हौसला बढ़ाने आया हूँ आइसक्रीम लेके। खाले खाले खाले। धन्यवाद सर जी, आपने हमारे लिए इतना सोचा। मैं पहली बार रगुलों को खाते हुए देख रहा हूँ आइसक्रीम। खा तो इंसानों की तरह ही रहे, दो ले आते तो अच्छा रहता। क्या आपका ड्रैकुलियो? ना ना क्या हुआ सर जी, क्या खिला दिए? आराम से आराम सर जी, क्या हो गया ये, क्या हो गया, तो एकदम बेहोश हो गए, क्या खिला दिया आपने? अरे छटकी छटकी अंदर आ जल्दी, बेहोश हो गया। अरे अब अपना काम आसानी के साथ हो जाएगा। मिसेस पंचम आप इधर आओ, अरे इधर आओ जल्दी। ये क्या करके आ रहे हो सेठ जी, हमें कुछ समझ ना आ रहा है, ये क्या हो क्या रहा है? अरे पिंटू जी अब टेंशन क्या कर लेते, तुम्हारी रक्षा करने की जिम्मेदारी अब छटकी ने ले ली, टेंशन मत लो तुम। अरे सेठ जी इनके हाथ क्यों बांध रहे हो? अरे खोल दो, बांध क्यों रहे हो आपने? कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो, जब ठीक हो जाएगा। मिसेस पंचम अब ये यही बंधा रहेगा और मैं इस छेनी और इस हथौड़े से इसके दिल में छेद करूंगा, जिससे इसके अंदर जो बुरी आत्मा है ड्रैकुला वाली वो बाहर आ जाए। देख पहनी हुई पुष्पा। हाँ फिल्म देख के मजा आया ना? हाँ सर आपका बहुत बढ़िया फिल्म थी, आपका प्लान भी बहुत बढ़िया था। अरे पुष्पा तू चिंता ना कर, आगे आगे देख पिंकी की ना कैसे बैंड बजाता हूँ मैं। लेकिन सर आप ना कुछ भूल रहे हैं। अच्छा मैं भूल रही हूँ? क्या भूल रही हूँ? अरे कल सुबह का शो ना, चिंता ना करो कॉर्नर वाली सीट लूंगा। नहीं सर वो पिंकी जी ने जो मेरी बूढ़ी माँ के लिए 500 रुपए दिए थे ना वो चाहिए। अरे पुष्पा यार लालच करना ना बुरी बात है, गलत बात है, चलो भाई। ये बाबा जी कौन है? अरे बाबा कोई भिखारी होंगे, चलो। अच्छा आओ देखे जरा। साहब जी आप कब मरे? जब मेरी बीवी को पता चला
कि मैं उसे फिल्म देखने नहीं लेके जा रहा हूँ तो उसने एक लोटा उठा के मेरे सर पे मारा और मैं मर गया। अच्छा अच्छा साहब जी, आगे क्या प्लान है? मैं पुष्पा को ढूंढ रहा था, अच्छा हुआ यहाँ मिल गई। अब मैं और पुष्पा साथ में शमशान जाके पार्टी करेंगे। खट 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 खट। अच्छा चले पुष्पा। नहीं 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 साहब जी, हम ना आपके साथ मजाक कर रहे थे। पुष्पा मरी नहीं, जिंदा है, ये देखिए। हाँ सर, और मैंने ना कुछ नहीं किया, मेरे को ना ये मंगी ने बोला ऐसा सब करने। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ, शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को है? वर्दी में इस तरह का मजाक करते हो अपने सीनियर अफसर के साथ? यूनिफॉर्म की कुछ तो गरिमा रखनी चाहिए थी ना तुझे मंगीलाल। अगली बार ऐसा किया ना तो पिंकी जी तुम दोनों को सस्पेंड कर देंगे। हाँ अरे सुनो, पहले वो 1500 निकालो जो दिए थे पिंकी जी ने। जी जी दे ना। आ, दो 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 जल्दी। खत्म कर दिए। ये लो। अच्छा कोई बात नहीं, पिंकी जी को आता है वसूल करना। जी जी ये पकड़ जाके पिंकी जी अभी थाने में देखते रहते क्या क्या कटवाते और वसूल करवाते। आइए साहब जी। चलो हाँ चले। चलो जी। सेठ जी ये क्या आपने आपने हमें बांधा क्यों हुआ? सेठ जी सेठ जी देखिए आप गलत समझ रहे हैं, हमने किसी का कोई खून नहीं चूसा, आप बात समझिए। हम वो बताओ ना प्लीज। एक बार बताऊं तुझे, मिसेज पंचम भले ही बाहर से जो है हरी भरी अमिया लगती हैं, लेकिन अंदर से एकदम एकदम चुसा हुआ दशहरी आम है, ये क्यों झूठ बोलेंगी? देखो आंटी जी, मैं क्या करूं, इन्ना अब खून चूसना बंद कर दिया, मतलब ये सुधर गए, अब ना चूसते हैं खून। देख पिंटू, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, हाँ। तो बेटा ये सबके भलाई के लिए हो रहा है, हाँ। कुछ देर के लिए तू भी अपने दिल पे पत्थर रख ले, हाँ। है? हमने आज तक गन्ना नहीं चूसा, खून घास से चूसे के प्लीज हमें छोड़ दीजिए, हम सब गलत कर रहे हैं। अरे सुन तो, इस वक्त तू मेरे और हम सबके लिए बहुत ही हानिकारक हो रखा है, समझ रहा है? इसलिए तेरा रहना यहाँ जरूरी है। अब माने कल के दिन तूने एलाइजी का खून चूस लिया तो देख, मन तो मेरा भी ना हो रहा है कि तेरे साथ ऐसा करें, ले हमारे पास कोई चारा ही ना। इलायची जी कहाँ रह गई? अरे यार तुम यार मेरी समझ में ना आता, कितनी बातें करते हो, टाइम हो रहा है यार मेरे ना तो। अरे तो मारना। नहीं 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 मामा जी, नहीं 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 नहीं। ईश्वर बाबा, ये लोगों को श्राप से मुक्त करवाते हैं और यही जीजाजी को ड्रैकुला के श्राप से मुक्त करवाएंगे। अब सुनो लाजी, तू ये बाबा घंटेश्वर को कहां से ले आई? अरे वो अपने ललित अंकल है ना, उसके ऊपर ना एक बार चुड़ैल चिमड़ गई थी, हाँ। तो बस यही इन्होंने उसके ऊपर से जो चुड़ैल थी ना उसे भगा दिया था। अब देखो ललित अंकल को देखे कभी लगता है कि उसके ऊपर कोई चुड़ैल चिमड़ गई होगी, हैं? कन्या इलायची, हाँ? ललित तेरी क्लास में पढ़ता है ना, अंकल मत बोला कर, इट हर्ट्स हिम। ठीक है लल्लू। अब क्यों? ठीक है ना बाबा जी? हाँ अब ठीक है, उछल रहे क्यों? अब सुनो इधर आओ। कौन मैं? हाँ इधर आओ। अबे इधर आ जाना, बाबा कह रहे हैं तो आता रहा हूँ यार, तुम इस पे लड़ रहे हो यार, मैं फालतू। आप लोग दूर हट जाइए, हमें जांच करनी पड़ेगी कि कौन सा दरिंदा
इसके अंदर बैठा है और वो कैसे जाएगा? कौन बोला डाकुला सताएगा, खून चूसने वाले, बाबा तुझे रुलाएगा, जाओ छोड़ छाड़ के बदल इसका, तू अभी जाएगा, बाबा तुझे तुझको खाएगा खाएगा खाएगा। तू छिछोरा छिछोरा ड्रैकुला, तू चढ़ ड्रैकुला इसके अंदर आसानी से भाग जाएगा। बस एक कुंवारी पवित्र लड़की अकेले कमरे में इसके कान में मंत्र फूंक दे, ठीक हो जाएगा। अच्छा बाबा घंटेश्वर जी, हम जो कह रहे कि देखो हम आंटी जी तो शादीशुदा हैं, हाँ, और कुछ खास पवित्र भी ना है, हाँ, है? नहीं मतलब तो अब जैसे ये काम तो फिर इलायची जी कर सकती हैं भाई, आप तो यही बेड़ा पार लगाएंगी। मैं ये त्याग आप सबके लिए करने के लिए तैयार हूँ। बाबा जी इससे इलायची को कोई नुकसान तो ना होगा? आप सही कह रहे हैं, अगर आपके मन में संदेह है तो मैं रुक जाता हूँ मंत्र फूंक। अरे क्या इलायची क्या कर रही है तू? मच्छर था बहुत बड़ा वाला, अगर काट लेता ये बाबा को तो जीजा जी को कौन ठीक करता? अच्छा मच्छर ने संकेत दिया है कि इस कन्या को अकेले एक कार्य करना पड़ेगा। आप सब लोग बाहर जाइए, मैं इस कन्या के कान में मंत्र फूंक के आता हूँ। अरे टेढ़े आदमी के साथ टेढ़ी बात की जाती है, कौन आदमी सीधी बात करता है ऐसे आदमी से? अरे इलायची बेटा तू ठीक तो है? पापा अभी तक तो ठीक हूँ, लेकिन ये जिद्दी ड्रैकुला मान ही नहीं रहा है पापा, बहुत चीट है। हेलो मम्मा, हेलो पापा। अरे इलायची बेटा तू बहुत अच्छी तरीके से एकदम जोर से इसके ऊपर मंत्र मार तो मान जाएगा। पुच्छू पुच्छू बाव बाव चाव मिंट का चाव चाव, ये कैसा मंत्र है भाई? ये मार्केट में नया आया है। पुचर पुचर बाव बाव, हाँ हाँ चाव चाव, अरे ठीक है, पुचर पुचर बाव 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 मुझे लग रहा है कि इलायची जो है ना उस पंचम की आत्मा को अंदर से जो है वो परेशान कर रही है। चलो ये भी अच्छा है। बेटा ये तो तूने हमें पहले बताया होता, ऐसी आत्माओं की तो हम क्लास लगाते रहते, दो मिनट में निपटा देते। पर बेटा ये छेनी हथौड़ी वाला आइडिया किसका था? अगर गलती से कहीं वो मरमरा जाता तो तुम सब लोग तो जेल में बंद हो जाते। अरे पिछले ही साल एक जजमान ने ये काम किया था, अब तक जेल में बंद है वो। अबे चटंकी ये तेरा आइडिया था ना? तू सोच रहा था कि ये कांड करके मैं जेल चला जाऊं और मेरे पीछे से मेरा सारा माल हड़प ले, तू देख रही है तू इसे? एक मिनट, अरे दबा, अरे एक मिनट दबा, अरे अरे तेरी, अरे क्या कर रहा है यार मुझे मार रहा है? जी जी देखो जबरदस्ती की बात कर रहा, मैंने कुछ किया भी ना, जबरदस्ती मुझे मार रहा है ये। मेरे तो भांति फूट गए, भी फूट गए। ध्यान से मेरी बात सुनिए, सिर्फ दो मिनट बचे, दो मिनट के बाद ही दरवाजा खुल जाएगा, तो आपको नहीं लगता कि इस काम के लिए आपको मुझे एक इनाम देना चाहिए?
किस बात का नाम? यही नाम यार, कि मैंने अपनी जान को खतरे में डाल के आपको बुरी शक्तियों से मुक्त कराया। कम ऑन इलायची जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? और मजाक क्यों कर रही हैं इस समय? इस समय क्या, मैं किसी भी समय मजाक कर सकती हूँ। सो जीजा जी, एक प्यारी सी पप्पी। इलायची जी कैसी बातें कर रही हैं आप? अभी 10 मिनट पहले ना हथौड़ा लेके हमारे सीने में मारने वाले थे और हमारी ना फोटो लगी होती दीवार पे माला के साथ, और आप को किसी चाहिए। जीजा जी, अगर अभी कभी आप मुझे किस नहीं करेंगे तो मैं पापा को बुला लूंगी। बुला लो। इलायची जी आप ऐसा मत करिए। अरे रुकिए तो, आप क्या कर रही हैं, आप ऐसे कर रही हैं? अरे रुकिए ना, तो करिए ना किसी। अरे अरे शांत हो जाइए सब लोग, ये जीजा जी हैं। अरे गुगू, पहले से आराम है? आप पहले से हल्का महसूस कर रहे हैं बोबो? चलो अच्छा है, तो ऐसे अगर देखा जाए तो मैसेज पंचम को कुछ साल और मिल गए। अरे कैसी बातें कर रहे हो इलायची के पापा? क्यों? इतनी मुश्किल से तो ये बल्ला टली है। मैं तो भागी, खुल गए। अच्छा। मेरा फूका हुआ मंत्र कभी खाली नहीं जाता। बाबा जी थैंक यू सो मच, लेकिन अब आप भी चले जाइए, वो क्या है ना आपके भक्त वेट कर रहे होंगे आपका। कन्या इलायची, क्या तुम हमें छोड़ने नहीं आओगी? हमारी उम्र हो गई है और रास्ता भी टेढ़ा मेढ़ा है, कहीं फिसल गए तो इट हर्ट्स। जी बिल्कुल अकेले नहीं जाएंगे आप, छोटंकी मामा है ना, वो आपको सही रास्ता दिखाएंगे। हाँ चाहिए, आइए साहब मैं आपको नया रास्ता दिखाता हूँ। अरे देखो बताता हूँ छत पे कैसे काटते हैं, आओ तो यार। अब बुबू एक ग्लास दूध पिला दो। दूध? तुझे दूध चाहिए? जी सेठ जी, वो कमजोरी हो रही थी। अरे हाँ, अरे सुन करो, नीचे जा और नीचे जाके एक पतीला भर के दूध ले और उसमें बढ़िया मलाई मार और ऊपर पहुंचा दे। पहुंचा दियो। हाँ हाँ, अब ये तो बड़ी अच्छी बात है। जी जी, इससे ये पता चलता है कि जीजा जी की मशीनरी ना एकदम सही काम कर रही है। मतलब सारे पोजे एकदम ठीक ठाक चल रहे हैं, मतलब कुछ प्रॉब्लम। अरे जीजा जी, क्या हुआ? क्या हुआ? अरे क्या हो गया? जीजा मजाक कर रहे थे। सेठ जी अपने दाएं कंधे पे कैसे करते हैं वो भी सिखा दो। अच्छा, इतने दिन से तुझे सिखा रहा हूँ, तू सीख ना पाया? इतने दिनों में तो गधा भी सीख जाता। सेठ जी वो गधा नहीं हो ना, इसलिए नहीं सीख पा रहा। सेठ जी वैसे आपको एक काम की खबर बतानी थी। तू कब से काम की खबर बताने लगा है? सेठ जी आप मुझे अपना मानो ना मानो, मुझे हर वक्त आपकी फिक्र रहती है, इसलिए तो जैसे ही पता चला ना एक बढ़िया सा रिश्ते का इलायची के लिए, मैंने फट से रोक दिया। इलायची का रिश्ता तू लाया है, कहाँ मिल गया तुझे? सेठ जी वो मित्तल पेट्रोल पंप के मालिक है ना। हाँ। इनके दिल्ली में कम से कम 50-60 पेट्रोल पंप है। इनके दिल्ली में 3 बंगलो है ग्रीन पार्क में। इनका छतरपुर में एक बड़ा सा फार्म हाउस है। अरे आगे तो बता। उनके मालिक का मैनेजर आया था। अच्छा। मालिश करवाने के लिए। उसके मालिक का बेटा ना क्लर्क है, तो वो है ना, कहो तो उसके रिश्ते के लिए बात करूं? तू मित्तल से सीधा क्लर्क पे आ गया है? सेठ जी छोटे ने कहा था आपको अपने बड़े भाई जैसा मानूं, उस हिसाब से इलायची मेरी भतीजी हुई। हुई के नहीं हुई तो उसके हाथ पीले करने के नहीं करने। अबे तो तू एक बार बता, अगर मुझे तेरे गाल लाल करने हो तो ये बता के सीधा जो है सीधा रेपटा मारूं तेरे गाल पे लाल करने के लिए गाल,
या फिर चप्पल मारूं सीधा, बता। सेठ जी मुझे लगा कि नहीं, तुझे क्या लगा? ये किसी के भी हाथ में मैं इलायची का हाथ दे दूंगा है? अबे राजकुमारी की तरह पाला है मैंने उसे, समझ रहा है तू? ऐसे कैसे किसी अरे गहरे नथु खेरे के हाथ में ना दे दूंगा उसका हाथ। अबे कोई रिश्ता लाना है तो रईस आदमी का लेके आ, ऐसे वैसे ना होएगा कुछ भी। मैं कर दूंगा सेठ जी। हाय पापा। देखा पैसे चाहिए। सुन, 50 रुपए सुबह दिए, वो कहाँ कर दिए तुमने? देखिए पापा मैं आपको बताती हूँ, क्या है ना 12 से 3 ना हमारे स्कूल में बहुत स्पेशल क्लास है और उसके लिए बहुत ही होनहार बच्चे चुने गए हैं, उनमें से मैं और सुन्नू भी हैं। लेकिन अभी आपको पैसे नहीं देने हैं तो कोई बात नहीं, मैं जाके अपने स्कूल वालों से बोलूंगी कि हमारे पिताजी को तो मतलब चाहिए नहीं ना कि हम मतलब आगे बढ़े पढ़ाई करके मतलब कुछ बन जाए। इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं जाती हूँ। ओके हाँ, समझ गया, तेरी बात अच्छी तरह समझ गया। 500 रुपए दिए, अबे दे दूंगा मुझे, ऐसे देख रहा तीतर की तरह। दे। हाँ ठीक है। हाँ चल ले जा। थैंक यू पापा। बाय। हाँ जा बाय। बाय अंकल। सेल्फी मत खींचती रहियो वहाँ पे, पढ़ियो। सेठ जी वैसे संडे को भी इनका स्कूल लगता है क्या?